ये कौन सा स्टोरी हम लोग कर रहे हैं, टू बिल्ड अ फायर, इसका पार्ट टू। ओके, तो पार्ट वन हम लोगों ने कर लिया था, उसका वीडियो यहीं पर है, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज पार्ट टू, नाउ वी आर गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट क्लास? So, the dark hairline was ओके, द in डार्क that. हेयर लाइन वॉज द ट्रेल, द मेन ट्रेल, माने दिस इज द ट्रेल, माने आपको यही रास्ता पकड़ के चलना है, यही आपका एक मार्क इंडिकेशन है। दिस इज बेसिकली, दिस इज लीडिंग यू टू द प्लेस, तो आपको इसी को देखकर, ये जो ट्रीज है इसी को फॉलो करना है, ठीक है। दैट लेड साउथ 500 माइल्स टू द चिलकुट पास गाया एंड सॉल्ट वाटर, दैट लेड नॉर्थ 70 माइल्स टू डॉसन एंड स्टिल ऑन द नॉर्थ 1000 माइल्स टू नुलाटू एंड फाइनली सेंट माइकल्स ऑन द बेरिंग सी। तो माने ये जो रास्ता है यही इतना सब डिस्टेंस जाता है, ठीक है, तो आपको इसी की तरफ, इसी डिस्टेंस को लेकर जाना होगा। ओके, यही आपका हाईवे है वहां पर, 1000 माइल्स एंड अफ हाफ 1000 मोर, इतना सारा रास्ता ये इसी ट्रेल से आपको कवर करना है। ओके, नाउ यहां से जो है स्टोरी, अच्छा इसके इस पैराग्राफ के बाद ये थोड़ा सा रेगुलर हो जाएगा, बट ऑल दिस द मिस्टीरियस फार रीचिंग हेयर ट्रेल लाइन, द एब्सेंस ऑफ सन फ्रॉम द स्काई, द ट्रिमेंडस कोल्ड and the strangeness and weirdness of it all made no impression on the men. Iska kya matlab hua? Yahan se yahan tak, anybody can explain this to me? But all sir, this I'll try, sir. mysterious. Okay, sure. Sir, in this I feel that the poet is trying to say that in spite of Not all the this, poet, the author. Sorry, the author is trying to say that in spite of all this, that sun is not there, that it is very cold and it's very bleak. But still he does not care about that thing and he's still continuing his journey. He's not focusing on that. माने should he be scared? उसको डरना चाहिए? Should he be scared with all these things? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is scary, है ना? Oh. It is scary. Why? Because yes. Number one, it's tremendously cold, and yes. it is a strange area. Why? Because he's a newcomer. हम तो देखेंगे, वो उस area का था भी नहीं. He was not a local person. ठीक है, weird था. Why weird? Because there was not a single human being on the view. लेकिन And he उससे was उसको alone. डर नहीं लग रहा था. ठीक है, तो क्या हमारे जो author है वो क्या बोल रहे हैं? It was not because he was long used to it. He was a newcomer in the land, a shikakua. Okay, he is a newcomer. Shikakua ka matlab a newcomer, and this was his first winter. So, or the more reason for you to be scary. कि आप एक नया area में जा रहे हो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, और आप इतने confident हो आप इतने. ठीक है. Now this जो इसके बाद का जो line है, this is आप लोग सब के ऊपर applicable है ये. Most of you. मैं तुमको ताना मार रहा हूँ सब लोग को, जितने भी class 12 के बच्चे ना, सबको ताना मार रहा हूँ अभी मैं. और ये आप लोग सबके ऊपर एप्लीकेबल है. ठीक है, बोल रहा उसके संग प्रॉब्लम क्या था? द ट्रबल विद हिम वाज दैट ही वाज विदाउट इमेजिनेशन. ठीक है, वो सोचता नहीं था. ही वाज क्विक एंड अलर्ट इन द थिंग्स ऑफ लाइफ, बट ओनली इन द थिंग्स एंड नॉट इन द सिग्निफिकेंस. इसका मतलब ये क्या है? वो बेसिक इमेजिन नहीं करता. अरे एग्जाम एग्जाम आने वाले भाई मार्च में, अभी तो नवम्बर में भी है, तो एग्जाम ही तो है, क्या होगा, है कि नहीं? एग्जाम ही तो है, कर लेंगे भाई. ठीक है, तो हम उसका कॉन्सिक्वेंस या सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं कि कितना सिग्निफिकेंट है वो. जब लोग बोल रहे हैं ट्रैवल मत करो, जब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा है, डोंट टेक दैट रिस्क, तो वो बोल रहा नहीं ठंडा है माने ठंडा है, एग्जाम है माने एग्जाम है, पढ़ लो, सर, पढ़ के जाओ. यस सर, इसमें पूछना है, बट ओनली इन द थिंग्स, सर इसका क्या बोलेंगे? क्या बट ओनली इन द थिंग्स एंड नॉट इन द सिग्निफिकेंसेस, सर इसका क्या? हां, वो तो बोल रहा हूं, ही वाज क्विक एंड अलर्ट इन द थिंग्स ऑफ लाइफ, बट ओनली इन द थिंग्स, नॉट इन द सिग्निफिकेंस. ये तो समझा रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम है क्लास 12 के, तुमको पता है कि एग्जाम है, बट क्या तुमको उसका सिग्निफिकेंस पता है? अगर नहीं पढ़ा तो क्या होगा? नहीं, तुम लोग कभी सोचता है? हाँ सर, सोचता सोचते हैं. हाँ, तुम लोग को पता है, मैं तुम लोग एक बात बताऊँ, बहुत सीरियसली, जितने भी 12 के बच्चे हैं सबको मैं एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशनल भी बोल रहा हूँ. तुम लोग क्लास 12 में हो, ठीक है, आने वाला 5 साल, इंक्लूडिंग अगर हम क्लास 12 को भी ले लेना, ये 5 साल आने वाला, इट कैन चेंज योर लाइफ ड्रामेटिकली. तुमको पता है ये बात? तुम इमेजिन करो, हो सकता है इन द कमिंग 5 to 6 ईयर्स तुम एक प्रोफेशनल हो सकता है. यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल.
यू कैन बी एन एमबीए, ठीक है, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट, यू कैन बी अ डॉक्टर, माने तो डॉक्टर तो नहीं बनेगा लेकिन यू कैन बी एन इंजीनियर, यू कैन बी एन एमबीए, तुम एक प्रोफेशनल बन सकता है, यू विल स्टार्ट अर्निंग, तुम हो सकता है 5 से 6 साल के बाद तुम्हारा मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ भी हो सकता है, अंडरस्टूड, माने ये 6 इयर्स अगर तुम ठीक से काम करेगा तो तुम्हारा मंथली सैलरी अराउंड 1 लाख से 1 लाख 50,000 होगा, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो इफ यू आर अर्निंग 1 लाख to 1 लाख 50,000 rupees पर मंथ, मोस्ट ऑफ यू विल बी हैप्पी, इजंट इट, होगा कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद तुम क्या कर सकता है, अगर सपोज कर लो 1 से 1.5 लाख रुपया तो महीना कमा रहा है, तो तुम क्या कर सकता है, यू कैन लिव अ लग्जूरियस लाइफ, द लाइफ यू वांट टू लिव, है ना, यू विल हैव योर ओन कार, यू विल हैव योर ओन हाउस, यू विल हैव एवरीथिंग, अगर तुम प्रोफेशनल है बैंक विल गिव यू लोन, तुम उसको आराम से दे भी सकता है, एंड तुम्हारा लाइफ सोचो 5 से 6 ईयर के अंदर में कहां पहुंच जाएगा। ऑन द हाइंडसाइट अगर तुम ये 5 से 6 साल को सीरियसली नहीं लेगा तो क्या होगा, अगर तुम प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले रहा है तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तुम 20,000, 15,000, 12,000 या पापा का बिजनेस, ठीक है, सारा दिन पापा 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 जो बोलेंगे वही करना है, ठीक है, पापा के अंडर में, इट्स नॉट दैट कि पापा का बिजनेस खराब है, बट देन तुम अपना खुद का एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, राइट, ऑल ऑफ यू कैन बी इंडिपेंडेंट, तुम लोग को सबको अपना तो चाहिए ना कि मेरा क्या कैपेबिलिटीज है, राइट। तो दिस कमिंग 5 to 6 years, अब मैं तुमको बता रहा हूं इस लाइन के संग में समझा रहा हूं, तुम लोग को पता है ये चीज ना, मैं अब इसी लाइन के संग समझा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है, जैसे क्या था, हाँ यहां था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोल रहा है, ही वॉज क्विक एंड अलर्ट इन थिंग्स ऑफ लाइफ बट ओनली इन द थिंग्स एंड नॉट इन द सिग्निफिकेंस। तुम लोग भी अलर्ट हो, है ना, आज नवीन सो के उठ के आया है, बोला सर क्लास करना है, तो उसको पता है, ठीक है ना, ही इज, उसको पता है सिग्निफिकेंस नॉट इन द, लेकिन उसको पता है थिंग्स ऑफ लाइफ, थिंग्स क्या है, मेरा एग्जाम है नवंबर में, दिस इज थिंग्स ऑफ लाइफ, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्जाम, कैन इट बी अ लाइफ चेंजर, यस। ये लड़का भी क्या सोच रहा है, ठंड है, पर ये नहीं सोच रहा है कि ये ठंड में मर भी सकता है, है ना। तुम लोग भी क्या सोच रहे हो, एग्जाम है, पर तुम लोग ये नहीं सोच रहे हो ये एग्जाम तुम्हारा जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, इट कैन गो हे वायर, है ना, तुमको या तो ये इधर ले जाएगा ये एग्जाम, या तुमको पूरा, तो सिग्निफिकेंस समझो, और अभी भी टाइम है, सीरियस हो जाओ, दिस इज नॉट क्लास 10, दिस इज क्लास 12, वन वे ट्रैफिक है ये, इफ यू फेल टुडे, इफ यू फेल इन दिस एग्जाम यू आर गॉन, तुम्हारा कैरियर ऑलमोस्ट, फिर ऐसा बात नहीं है कि कैरियर माने, बट इट विल बी अ स्ट्रगल नाउ, इसके बाद तुम्हारा लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होने वाला है, तो ये 5-6 इयर्स तुम लोग एकदम गोल्डन पीरियड है, इसको ग्राब करो, कान बंद करो, आंख बंद करो, और अपने करियर की तरफ भागो, ठीक है। एक बार 5-6 इयर्स में आप लोग कहीं स्टैब्लिश हो जाओगे, अपने लिए एक बेटर फ्यूचर सेट कर लोगे, देन यू डू ना जो करना है लाइफ में, जो एंजॉय करना लाइफ में, फिर बोलने वाला क्या है, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा इंडिपेंडेंस, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना नवीन, जितना चाहे उतना डॉग पालो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो ये क्या बोल रहा है, 50 degrees below zero meant 80-odd degrees ऑफ फ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट क्या होता है, जब बर्फ बर्फ जम जाती है तो उसके बाद क्या नाम है हम लोग का, फ्रॉस्ट आ जाता है, ठीक है, तो हमारे इतना फ्रॉस्ट होगा, सच फैक्ट इंप्रेस्ड हिम एज बीइंग कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, इसको क्या लग रहा है कि अरे हाँ भाई ठंडा है 50 डिग्री, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, एंड दैट वॉज ऑल, जैसे नवीन को लग रहा है एग्जाम है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस, एंड दैट इज ऑल, क्या होगा, है ना, ठीक है, पट्टी आ जाएगा बहुत है, क्या करना लाइफ में, इतना तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। इट डिड नॉट लीड हिम टू मेडिटेट अपॉन द फ्रेलिटी एज अ क्रीचर ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कैन एनीबडी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस, इट डिड नॉट लेड हिम टू मेडिटेट अपॉन द फ्रेलिटी एज अ क्रीचर ऑफ टेम्परेचर एंड अपॉन मैन्स फ्रेलिटी इन जनरल, क्या मतलब हुआ इसका, फ्रेल का मतलब मैं तुम लोग को बता दू, फ्रेल का मतलब होता है डेलिकेट, ठीक है, फ्रेल का मतलब होता है डेलिकेट, अब नाउ कैन यू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज या सेंटेंस, सर इट मींस दैट in front of this low temperature, very low temperature, his body is very frail in front of it, in comparison of that. Exactly. हम लोग का बॉडी का एक लिमिट है. We cannot go below that limit या above that limit. ना, हम 50 डिग्री के ऊपर ज्यादा हीट नहीं कर सकते ना. अगर कोई 55-50 degrees centigrade में हमको खड़ा कर देगा तो हम जल जाएंगे. And similarly, -50 is too much. Yes. तो हम लोग frail, माने तुम सोचो, हम लोग अपने आप को इतना हीरो समझते हैं. Human beings,
लेकिन हम लोग का कैपेसिटी क्या है? हम लोग का कैपेसिटी क्या है? बहुत गंदा कैपेसिटी है हमारा. क्या कैपेसिटी है? माइनस 50 तो हम ज्यादा ही बोल रहे हैं, 2 माइनस 250. इसके ज्यादा या इससे नीचे तो हम रह ही नहीं पाएंगे, है ना. 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर तो सहना थोड़ा मुश्किल है, राइट. हाँ, राजस्थान के कुछ लोग हैं, रेगिस्तान टाइप जो एरिया है थार के, वहां पे कुछ लोग हीट, या अगर हम लोग बात करें इक्वेटर के आसपास में अफ्रीका में कुछ रीजन है, लेकिन उनका हाईली अडेप्टेबिलिटी, वो लोग बहुत अडेप्टेड है उसके लिए. वैसे ही कुछ लोग हैं अलास्का, ये सब की जगह में माइनस 50 में भी रहते हैं. और जनरली नवीन अगर जाएगा तो रह पाएगा यहाँ? तो हम लोग कौन है? हम लोग फ्रेल है. हम लोग कौन है? हम लोग फ्रेल है. भगवान भी सोचता होगा कि बेसी नौटंकी करेगा ना तो अर्थ को 1 डिग्री पीछे कर दूंगा, फिर देख मजा ह्यूमंस का. या भगवान बोलेगा थोड़ा सा टान लेता हूं आगे, फिर देख मजा. है कि नहीं? हम लोग कितने छोटे से पैरामीटर में रहते हैं, लेकिन हम लोग का घमंड अलग लेवल पर ही है. हम लोग भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं. खैर, एनीवेज, तो इट डिड नॉट लेड हिम टू मेडिटेट अपॉन द फ्रेलिटी एज अ क्रिएचर ऑफ टेम्परेचर एंड अपॉन मैन्स फ्रेलिटी इन जनरल. मतलब आदमी तो जनरली वीक ही है. एबल ओनली टू लिव विद इन अ सर्टेन नैरो लिमिट्स ऑफ हीट एंड कोल्ड. हम लोग हीट एंड कोल्ड के नैरो लिमिट्स में ही रह सकते हैं. फ्रॉम देयर ऑन इट डिड नॉट लीड हिम टू द कॉन्जेक्चुरल फील्ड ऑफ इमोर्टैलिटी. माने उसको प्रैक्टिकल फील्ड समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब आप मर भी सकते हो. तुमको पता है लोगों को लगता है, जानता है लोगों को क्या लगता है, इंसानों को क्या लगता है? इंसानों को लगता है कि इंसान मरते हैं. ये मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा लाइन. क्या ये सोचने वाला बात है? इंसानों को लगता है कि इंसान मरते हैं. समझ में आ रहा इसका मतलब? क्या क्या लगता है हम लोग को कि कोरोना से मरते होंगे लोग? लोग मरते हैं कोरोना से, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम भी मर सकते हैं. कभी ये थॉट था मन में? हाँ, हम लोग का थॉट क्या आता है? लोग मरते हैं, लोग मॉर्टल है, हम नहीं यार. अपने बारे में थोड़ा बात हो रहा है, हमको थोड़ा कोरोना कुछ कर लेगा भाग. अरे आई एम द सुपरमैन. हाँ, तो लोगों को लगता है कि लोग मरते हैं, हम कैसे मर जाएंगे? पगला क्या, उम्र ही क्या हुआ मेरा? ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. समझ में आ रहा है? तो ये इसको क्या लग रहा है कि होगा ठंडा? 50 डिग्री बिलो जीरो स्टूड फॉर अ बाइट ऑफ फ्रॉस्ट दैट हर्ट दैट मस्ट बी गार्डेड अगेंस्ट बाय द यूज ऑफ मिटन्स एयर फ्लैप्स वार्म मोकासिंस एंड थिक सॉक्स. बोला अरे ठंडा है तो क्या करना पड़ेगा, एक स्वेटर पहन लो, थोड़ा सा ठंडा ही ना लगेगा. ठीक है, थोड़ा सा मिटन्स पहन, ठीक है, थोड़ा सा ईयर फ्लैप्स पहन लेंगे. हाँ, तो हम लोग तो शूज, काइंड ऑफ शूज होता है वो पहन लेंगे, बस हो गया. है कि नहीं नवीन? नवीन को तो ठंडा लगता ही नहीं है. 50 डिग्री बिलो जीरो वॉज टू हिम जस्ट प्रिसाइसली 50 डिग्री बिलो जीरो. 50 डिग्री बिलो जीरो का मतलब 50 डिग्री बिलो जीरो होगा यार टेम्परेचर. एग्जाम आ रहा है का मतलब आ रहा है एग्जाम, ठीक है ना. क्या है? That there should be anything more to it than that was thought that never entered his head. उसको इसके अलावा कुछ लगा ही नहीं. माने उसको कोई सिग्निफिकेंस ही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ठंडा है इसका क्या मतलब है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा. Am I clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I want somebody to read for me. अच्छे से read कौन करेगा? Sorry, can you read? Yes, sir. Naveen. Okay, sure. Little loud and little slow. Okay. लाउड एंड लिटिल स्लो रीड फ्रॉम हियर. और जब मैं रुकने बोलू रुको. हाँ पढ़ो. As he turned to go on, he sped speculatively to check. There was a sharp explosive crackle that startled him. He sped again and again in the air before it could fall to dust. The spittle crackled. He knew that. क्या मतलब हुआ इसका? वेट 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 क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ से यहाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो ये जो हमारे ऑथर थे इन्होंने स्पिट किया सर, और वो जैसे उन्होंने स्पिट किया वो एकदम जम गया इनकी स्पिट, इतना ठंडा था ये देखा था. स्पेक्यूटिवली, स्पेक्यूलेटिवली का मतलब स्पेक्यूलेट करने का मतलब होता है चेक करना. यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहा है. मैंने सपोज कर लो ये नवीन खड़ा है मुंह में गुटखा खा के, ठीक है, मैंने सब फ्यूचर वही है.
स्टार्ट कर दिया क्या नवीन कि प्रेजेंट कर रहा है अभी कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, गुड बॉय, मेरा बच्चा है ना, नहीं करेगा। ठीक है, अब ये लोग जो है ना, ये इसके मुंह में ये स्पिट करके ना ये लोग चेक करता है ठंडा कितना है। ठीक है, सपोज कर लो ये जमीन है तो नॉर्मल ठंडा होगा ना, तो ये स्पिट करेगा तो ये इसका स्पिट ये गिरा और यहाँ गिरने के बाद वो थोड़ा सा जम जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ स्पिट किया और ये यहीं ब्लास्ट हो गया। क्या समझा, इट ब्लास्टेड हियर ओनली, यहीं पे बर्फ बन गया, इट्स नॉट फॉलिंग डाउन। इसने फिर चेक किया, फिर यहीं ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, काफी ठंडा है। माने तुम इमेजिन करो कि मेरा थूक कितना जल्दी माने लिक्विड से सॉलिड बन जा रहा है। माने कोल्ड ड्रिंक अगर तुम लेकर आएगा वहां पे कोल्ड ड्रिंक का ऐसा बॉटल रखेगा, देखिए बर्फ निकला उसमें से, समझ में आ रहा है, वहां पे तो कोल्ड ड्रिंक का जरूरत भी नहीं है। तो ही स्पेट अगेन, यहां तो हो गया। ठीक है, नाउ यहां से रीड करो। सॉरी, he knew that at 50 below crackled on the snow, but the spittle had crackled in the air. Undoubtedly, it was colder than 50 below. How colder he did not know, but the temperature did not matter. He was bound. एक बात तो समझ में आ गया, he understood कि ठंडा तो है भाई साहब और 50 से ज्यादा ठंडा है, लेकिन exactly कितना है उसको नहीं समझ में आ रहा और उसको समझना भी नहीं है। ठीक है, वो arrogant आदमी है। ठीक है, उसको लग रहा है कि बस ठीक है, कोई बात नहीं। तो ही वॉज बाउंड फॉर द ओल्ड क्लेम ऑन द लेफ्ट फोक ऑफ हेंडरसन। मैं रीड करता हूँ, ठीक है, जब मैं थक जाऊंगा तो तुम लोगों को बोलूंगा। ही वॉज बाउंड फॉर द ओल्ड क्लेम ऑन द लेफ्ट फोक ऑफ हेंडरसन क्रीक वेयर द बॉयज वेयर ऑलरेडी। माने उसको हेंडरसन क्रीक पहुंचना था जहां पर उसकी टीम ऑलरेडी इज देयर। ओके, ही जस्ट वॉन्टेड टू बी विद देम। They had come over across the divide from the Indian Creek country, while he had come the roundabout way to take a look at the possibilities of getting out the logs in the spring from the islands in Yukon. Now, अब बता रहा है, suppose कर लो इनको इस जगह जाना है, ठीक है, इसको इन जगह पहुंचना है, तो वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और वो लोग शॉर्टकट लेकर आए हैं, वो लोग सीधा यहाँ पर आ गए कुछ लोग, पर ये भाई साहब थोड़ा घूम कर आए हैं। ठीक है, ये थोड़ा घूम कर जा रहे हैं, ये घूम कर इसके लिए जा रहे हैं कि वहां पर वो लोग का सबसे ज्यादा लंबरिंग का काम होता है, तो कुछ लॉग्स, पेड़ के लॉग्स वहां पे फंसे हुए होंगे, तो ये चेक करने आ रहा है कि जब गर्मी आएगी तो ये लॉग्स बह के नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये डायरेक्ट भी नहीं आ रहा, ये घूम कर आ रहा है, अपना बिजनेस का काम करके आ रहा है। ओके, ही वुड बी इन द कैंप बाय 6 o'clock, अ बिट आफ्टर डार्क, इट वॉज ट्रू, बट द बॉयज वुड बी रेडी। ठीक है, The boys would be there, a fire would be going, a hot supper would be ready. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन तब तक जब मैं पहुंचूंगा तो ऑलरेडी वहां पे लड़के पहुंच गए होंगे, वो लोग ने फायर जला लिया होगा, सूप वूप बना लिया होगा। ठीक है, पिज्जा विज्जा मिल जाएगा, खा लेंगे आराम से, ऐश वैश चलेगा, पार्टी होगा वहां पर। और लंच के लिए वो क्या लेके आया, एज फॉर लंच he pressed his hand against the protruding, माने बंडल अंडर इज जैकेट, उसके शर्ट के अंदर में एक जैकेट था जो उसने अपने बॉडी के पास में रखा हुआ था। बॉडी के पास क्यों रखा था, क्योंकि बॉडी गर्म रहती है। ठीक है, तो उसको जो खाना है उसको गर्म रखने का एक ही तरीका था कि अपने शरीर से टच करा के रखिए, जिससे उसको थोड़ा सा गर्मी मिलता रहे। इट वॉज ऑल्सो अंडर हिज शर्ट रैप्ड अप इन अ हैंडकरचीफ एंड लाइंग नेकेड अगेंस्ट द नेकेड स्किन। इट वॉज द ओनली वे टू कीप द बिस्किट्स फ्रॉम फ्रीजिंग। ही स्माइल्ड एग्रीएबली टू हिमसेल्फ एज ही थॉट ऑफ दोज बिस्किट्स, ईच वन कट ओपन एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब उसको ऊपर बेकन का बीट से वेट किया हुआ था, माने ये तो पिक खाते ही है, बेकन इज अ पिक बीट ग्रीस, एंड ईच एनक्लोजिंग अ जनरस स्लाइस ऑफ फ्राइड बेकन। तो उसका खाना भी उसके साथ में था, उसको लग रहा था बस छालो खाना वाना है, क्या अभी तक पहुंच जाएंगे। ही प्लंज्ड इन अमंग द बिग स्प्रूस ट्री, द ट्रेल वॉज फेंट, अ फुट ऑफ स्नो हैड ऑलरेडी फॉलन सिंस द लास्ट स्लेड हैड फॉलन ओवर। अब इसने क्या किया, वो ट्रीज के रस्ते पे चलना चालू किया, वहां पर थोड़ा सा स्लेज का प्रिंट था, ठीक है, लेकिन वो बहुत हल्का हो गया था क्योंकि उसके ऊपर भी स्नो गिर गया। ओके, तो उसको बहुत छोटा ट्रेल मिला हुआ है, सबूत बहुत कम है, मतलब उसके पास जो क्या नाम है, जो मार्किंग्स है वो बहुत कम है, उसको फॉलो करना है। अ फुट ऑफ द स्नो हैड फॉलन सिंस द लास्ट स्लेज हैज पास्ड ओवर एंड ही वॉज ग्लैड ही वॉज विदाउट अ स्लेज ट्रेवलिंग लाइट। और वो हल्का चल रहा है। In fact, he carried nothing but the lunch wrapped in the handkerchief. उसके संग एडवांटेज क्या है, उसके पास कोई भी भारी चीज नहीं है क्योंकि उसको इतना लंबा चलना है, उसके पास क्या है, खाली हैंडकरचिफ में खाना है और उसके पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो विक्रम रीड फ्रॉम हियर। ही वॉज, यस सर,
he was surprised, however, at the cold. Thoda jor, thoda loud. Yes, sir. He was surprised, however, at the cold. It certainly was cold, he concluded as he rubbed his numb nose and cheekbones with the mitted hand. With mitted hand, he was warm brisk man, but the hair warm on biscuit his face... man. Warm biscuit man, daadi waadi chalta uske, theek hai? Aur uske naak pe thanda lag gaya. Obviously, ye to aap cover nahi kar sakte na. Aapka do cheez cover nahi hota hai, ye cheekbone, this is cheekbone, hai na? तो आप इसको कवर नहीं कर सकते. मंकी कैप में भी ये कवर नहीं होता ना, और ये नोज कवर नहीं होता. तो इतना ठंडा था उसका नाक पूरा ठंडा हो गया, और ये चीक बोन्स पूरा ठंडा हो गया. जब ग्लव्स से हाथ लगाया ठंडा लग रहा है, ठीक है. बट द हेयर और उसके दाढ़ी भी था, ठीक है, हल्का हल्का दाढ़ी भी था उसके. वार्म बिस्कट माने हल्का हल्का दाढ़ी भी था, लेकिन उससे भी ठंडा रुक नहीं रहा है. यस सर. बट द हेयर ऑन हिज फेस डिड नॉट प्रोटेक्ट द हाई चीक बोन्स एंड द ईगर नोज दैट थ्रस्ट इटसेल्फ अग्रेसिवली इनटू द फ्रॉस्टी एयर. हां, कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है यहाँ पर. यहाँ बोल रहा है उसका नोज जो है ना, वो ईगर नोज है, माने आगे निकला हुआ है. ऐसा लग रहा है कोई आदमी आगे बढ़ रहा है. तो हम लोग जब चलते हैं, हमारी नाक आगे चलते, तो हमारी नाक सबसे आगे निकली कि हमको सबसे आगे जाना है ना. सॉरी, आर यू फीलिंग स्लीपी? हाँ, एक आदमी मर रहा है और तुमको नींद आ रहा है? सर, मैं सुन रहा हूँ. हाउ इनसेंसिटिव यू आर. हाँ, वो बेचारा अभी मरने वाला है और तुम उसके लिए तुम एकदम माने सो रहे. तुम यू नो व्हाट, इफ अ टीचर इज टीचिंग एंड यू यॉन इन फ्रंट ऑफ हिम, दैट बेसिकली मींस यू आर इंसल्टिंग हिम, इजंट इट? कि सर आप इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं कि मेरे को नींद आ रहा है. चलो इसी बात पे तुम गाना सुनाओ मेरे को एक तो. तुमको पनिशमेंट है, गाना सुनाओ जल्दी से एक तो. जल्दी जल्दी गाना सुनाओ सर, आगे से मिलेगा सर पक्का. अरे हम तुमको पनिशमेंट दे रहे हैं, तुम बोल रहे हैं हम नहीं होगा आगे से. जल्दी से गाना सुनाओ एक्टर. नवीन अभी कौन सा गाना चल रहा है बढ़िया? कौन सा गाना तुम सुन रहे थे अभी कि तुम मार खा गई क्या? क्या गाना था वो? क्या तुम सुन रहे चल रहा है उससे ज्यादा एक और ट्रेंडिंग में जाने. क्या ट्रेंडिंग में बताया? हां सर, ये बचपन का प्यार तू. हां सॉरी, जरा सुनाओ जरा बचपन का प्यार सुनाओ. चलो फटाफट जल्दी. और अगर ये नहीं सुनाएगा तो फिर हम लोग तुमको तो बढ़िया सा बिहारी गाना दे देंगे गाने के लिए. हमारे पास बहुत स्टॉक है ना नवीन. चलो जल्दी सुनाओ, पनिशमेंट है, जल्दी से गाना सुनाओ. कौन सा गाना है विक्रम, जरा देखो बीट दो उसको. सॉरी, जल्दी स्टार्ट हो जाओ. अरे यार रहमान पैसा चार्ज कर लेगा भाई. चलो सॉरी, जल्दी जल्दी मेरे को गुस्सा मत करो, जल्दी मेरा गुस्सा आ जाएगा तो फिर दूसरा सर याद करने दो. अच्छा अच्छा लिरिक्स भी बताना पड़ेगा भाई, लिरिक्स बताओ. कौन बोलता ऑनलाइन में पनिशमेंट भी नहीं हो सकता, बहुत अच्छा था पनिशमेंट हो सकता ऑनलाइन में. और तभी यो यूट्यूब पे जा रहा हूँ. और अगर अभी तो दो मिनट में गाना नहीं गाया तो डांस करके भी दिखाना पड़ेगा. जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं कर हम लोग का. हाँ जोर से. बस सर एक बार स्टार्टिंग का भूल गया, एक बार वो फिर से बता देगा. तो विक्रम जरा स्टार्ट दो बाबू को. ओ जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार तूने भूल जाने नहीं मेरी जाना. जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा तेरा जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है बस इतने बता. हाँ तो भूल नहीं जाना रे कि मेरे क्लास में यौन नहीं करना रे, नहीं तो फिर तेरा भी यूट्यूब में वीडियो बनेगा रे. है कि नहीं? बन गया बन गया ना यूट्यूब वीडियो, ये जा रहा अपलोड हो रहा है आज. तू फेमस हो जाएगा घबरा मत, कल तेरे ही निकलेंगे सारे. क्या निकलते हैं? मेरा विचल कहाँ गया? विचल अभी चल, टारगेट मिले इसको. नेक्स्ट टाइम यौन नहीं करना मेरे क्लास में, फिर डांस भी कराऊंगा मैं तेरे को, ठीक है? चलो कहाँ थे हम लोग विक्रम? एट द मैन्स, एट द मैन हील ट्रॉटेड अ डॉग. बने उसके पीछे चार
टेक इट स्पोर्टिंगली ओके इट्स नॉट अ बिग डील ठीक है मजा आया तो अब नींद या तो फ्रेश हां और एंजॉय करना चाहिए लाइव क्लास में क्योंकि एक्चुअली तेरा गलती नहीं है स्टोरी है भी थोड़ा बुरी मेरे को भी नींद आ रहा था मैं तेरे को पकड़ लिया बोला चलो मैं अपनी नींद किसी के ऊपर निकालूं चलो ओके विक्रम पढ़ एट द मैन ही स्पॉटेड अ डॉग अ बिग नेटिव हस्की द प्रॉपर वुल्फ डॉग ग्रे कोटेड विदाउट एनी विजिबल और टेंपरामेंटल डिफरेंस फ्रॉम टेंपरामेंटल डिफरेंस फ्रॉम हिज ब्रदर का मतलब जैसा वाइल्ड डॉग है वैसा ये डॉग भी है दोनों मोटा मोटी सेम ही है एकदम ठीक है अच्छा he is a wild wolf from his brother the wild mental difference to kya meaning hai temperamental difference ka matlab ye hai jitna dangerous wo hai attitude mein utna ye dog bhi hai mane mauka milega to ye jaan se maar dega aadmi ko navin ha sir ha can he be dangerous ha yes sir of course hai na ye jo pet wala ye bhi maar dega jaan kisi ko agar sir isko matlab threatening laga ki ha ki mera ओनर के टाइम थ्रेटनिंग है तब ट्राई कर सकते हो और अगर मारेगा नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब किसी को वुंड कर सकता है माने ही इज डेंजरस बेसिकली कहने का मतलब यही है ना तो इसका जो क्लोज कजन है जो वुल्फ डॉग होता है उसका काफी माने बोल रहा है टेंपरामेंटल डिफरेंस फ्रॉम नॉट एनी विजिबल माने दोनों ही उतने एग्रेसिव है दे बोथ कैन बी वेरी डेंजरस अंडरस्टूड समझ में आ रहा बात यस सर नाउ इसके बाद जो लाइन आ रहा है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट The animal was depressed by the tremendous cold. क्या मतलब हुआ इसका नवीन? सर मतलब इतना इतना वो था cold का कि डॉग को भी समझ आ रहा था इतना मतलब इसमें डॉग भी डिप्रेस था उसको लग रहा था कौन बेवकूफ मेरा मालिक है जैसे नवीन का डॉग को लगता है तो उसको लग रहा था कौन है यार ये लेकिन मैं तुम लोग बताऊ नवीन इज अ पेट लवर उसको डॉग्स बहुत पसंद है ठीक है तो द एनिमल वाज डिप्रेस्ड बाय द ट्रेमेंडस कोल्ड इट न्यू दैट इट वाज नो टाइम फॉर ट्रैवलिंग देखो यहाँ पे ये तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग इसको ध्यान रखना डॉग बोल रहा है कि दिस वाज नो टाइम फॉर ट्रैवलिंग ये ट्रैवल करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है इट्स इंस्टेंट टोल्ड इट अ ट्रूअर टेल देन वाज टोल्ड टू द मैन बाय द मैन्स जजमेंट आदमी अपने आप को बहुत होशियार समझता है लेकिन यहाँ पर उसका जजमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है जो डॉग है उसको कि दिस इज रॉन्ग समझ में आ रहा बात को लेकिन देखो डॉग कितना ऑनेस्ट आदमी कितना ऑनेस्ट जानवर होता है वो लोग फिर भी फॉलो कर रहा है ना उसको पता है सही टाइम नहीं है लेकिन वो अपने ओनर को फॉलो कर रहा है ठीक है सो हाउ लॉयल दे आर इन रियलिटी क्या बोल रहा है इन रियलिटी इट वॉज नॉट मेयरली कोल्डर देन 50 बिलो जीरो इट वॉज कोल्डर देन 60 बिलो देन अ 70 बिलो And it was 75 below zero. Oh my God! Minus 75 degree centigrade temperature है. अरे ये तो वैसे ही हो गया कि COVID में बाहर निकल रहे हो आप. It's not Fahrenheit, I guess. Fahrenheit में लो convert कर दिया पहले ही. It's not Fahrenheit. It's degree, I think. ठीक है. Since the freezing point is 32 above zero, it meant that 107 degree of frost. ice crystals that deposit when the temperature falls below freezing obtained mane itna thanda hai ki yahan par mane they are actually trying to ki is frost bhi aa raha hai theek hai ice crystals jam ja rahe hain the dog did not know anything about thermometer obviously the dog ke paas to thermometer nahi hota hai possibly in its brain there was no sharp consciousness of a condition of a very cold such as was in man's brain aur jitna aadmi kya naam hai zyada obviously कैपेबल होता है बट यहां पर दिखा रहा है बट द ब्रूट वाइल्ड हैड इट्स इंस्टिंक्ट लेकिन उसको डॉग को उसका इंस्टिंक्ट और उसको इंस्टिंक्ट बताया क्या ये एक बात नहीं है इट एक्सपीरियंस्ड अ वेक बट मेनेंसिंग एप्रिहेंशन दैट सबड्यूड इट एंड मेड इट स्लिंक अलोंग एट द मैन्स हील बोल रहा है उसको जब ये डॉग को रियलाइज हुआ कि समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग तो वो बेचारा एकदम सबड्यूड हो गया माने एकदम झुक गया और रिलक्टेंट है वो यू नो समटाइम्स वी डोंट वॉन्ट टू गो टू अ प्लेस हमको पता है वो जगह जाना ठीक नहीं है तो हम लोग बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं जैसे बहुत जन जैसे नवीन पढ़ने नहीं आता बहुत रिलक्टेंट मम्मी बोलती जाओ पढ़ने के पास तो नवीन एकदम ऐसा क्या नहीं यार नहीं जाना तो वैसे ही डॉग भी बोल रहा है कि मेरे को नहीं जाना है वहां पर समझ में आ रहा है एंड दैट मेड इट क्वेश्चन ईगली एवरी अनवॉन्टेड मूवमेंट ऑफ द मैन एक्सपेक्टिंग हिम टू गो इन टू द कैंप और टू सीक शेल्टर
somewhere and build a fire. माने जो डॉग का एटीट्यूड था उससे ऐसे लग रहा था कि डॉग उस आदमी को बोल रहा है कि भाई वापस कैंप चलो ना यार, कहीं पर आग जला लो ना यार, आग पे बैठते हैं, वहां मेरे को नहीं जाना. समझ में आ रहा है? द डॉग हैड लर्नड फायर एंड इट वांटेड फायर. आदमी लोग का संग्रह है कि डॉग फायर सीख गया, जंगल में तो नहीं पता होता उन लोगों को, अब उसको फायर में मजा भी आने लग गया है, तो वो बोल रहा है भाई चल ना आग के पास चलते हैं यार, कहां जा रहा तुम पागल. ठीक है? Or else to burrow under the sun snow and cuddle its warmth away from the air. या वो चाह रहा है कि वो स्नो के अंदर घुस जाए, ऊपर से एयर आना बंद हो जाए, तो वो ठंडा एयर है से वो उसको रास्ता मिल जाए. चलो यहाँ से रीड करो. टाइम क्या नाम है? नवी रीड द फ्रोजन मॉइस्चर. हाँ सर. अरे स्क्रीन देख लो. देख लो. आई स्पाइस धप्पा खेला तुम लोग? धप्पा पकड़ा गया. ये लड़का लाइन फॉलो नहीं कर रहा था. सॉरी आर यू स्लीपिंग? सर चैलेंज नहीं सर. फिर सर डांस भी बनाऊंगा तेरे से. नहीं सर. नवीन रीड सर वापस बोलिए कहां से? द फ्रोजन मॉइस्चर. फ्रोजन मॉइस्चर. हां द फ्रोजन मॉइस्चर ऑफ इट्स ब्रीदिंग हैड सेटल्ड ऑन इट्स फर in a fine powder of frost and specially where its jaws, muzzle and eyelids, whitened by its crystal breath. अब क्या हो रहा है? The frost. इसका क्या मतलब हुआ? Krish, यहाँ से यहाँ तक इतना. सर हम बोले. हाँ हाँ बोलो please please. सर इतना मतलब ये ठंडा था कि उसका eyelids ये सब भी मतलब white frozen type हो रहा है. उसमें भी हल्का हल्का और मजल जो है वो फ्रंट फेस लाइक माउथ एंड नोज, माने ये सामने वाला जो हिस्सा ये, ठीक है, और आई लैशेस माने इसका जितना भी एक्सपोज पार्ट है और ये जो सांस ले रहा है उसमें सब में बर्फ जम जा रहा है, तो ये ऊपर से पूरा व्हाइट हो गया डॉग भी. समझ में आ रहा है? इतना ठंडा है कि अब ऑब्वियसली जब हाँफेगा या सांस लेगा तो उसका तो एयर निकलेगा, उस एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, लेकिन वो मॉइस्चर बर्फ बन जा रहा है, वो वापस आके इसके बॉडी के ऊपर में पूरा चिपक जा रहा है. ठीक है? ये वाला लाइन नवीन को पढ़ के बड़ा मजा आएगा, बिकॉज इट इज अबाउट तंबाकू. थोड़ी ना खाते. अरे देखे तो ना, बड़ा करीब से ना देखे हो दी. सही है ना मेरा एक्सेंट सही निकल रहा था विक्रम? एक्सेंट एकदम सही है ना? कहा हो बबुआ, तनिक पढ़ा हो? एना से पढ़ा हो? Red beard and mustache were likewise prospered, but more solidly. The deposit taking the form of ice and increasing with every warm, moist breath he exhaled. Also, the man was chewing tobacco. Naveen! And the muzzle of ice and his lips were rigidly that he was unable to clear his chin when he expelled the juices. माने यहाँ बोल रहा है उसका मुंह में ना, मैं let me play ना थोड़ा सा character में आने दो. उसका मुंह में इतना तंबाकू था ना, हाँ ना माँ, तो तू भी नहीं पा रहा था, हाँ ना, तो ये सारा यहाँ से गिर गिर के पूरा दाढ़ी में एकदम बड़ा सा icicles, अरे यार क्या हो गया, icicles बन गया पूरा. समझ में आ गया ना? Character वो मैं समझाया ना तुमको नवीन, तुमको तो समझ में आ गया, इमेजिनेशन थोड़ा लगाओ. समझ में आ रहा है? तो पूरा उसका मुंह से जो टोबैको का जो स्पिट है वो भी कर नहीं पा रहा है, और उसका दाढ़ी एकदम से सेंटा क्लॉस टाइप बन गया, एकदम रेड, ऐसा लग रहा है मेहंदी लगा के आया वो पूरा. ठीक है? द रिजल्ट वॉज दैट अ क्रिस्टल बियर्ड ऑफ द कलर एंड सॉलिडिटी ऑफ एम्बर रेड ना वॉज इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द चिन. और ये पूरा इसका चिन आस्ते आस्ते पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एकदम ऐसा एकदम वो बन जाएगा दाढ़ी बियर्ड, और अगर वो किसी से टकराएगा तो चकनाचूर भी हो जाएगा, बिकॉज़ दैट इज आइस. है कि नहीं? यार चलेंगे अपन भी घूमने यहाँ पर ना. सर हम लोग जब जाएंगे सर हम आप लॉन्ग कट से आ जाना सर. हम लॉन्ग कट से हुआ ये चाहता है सर, ये सर ये सारा सर वहीं रह जाए. देख ले नवीन, ये चाह रहा तेरा सर वापस नहीं आए. देख ले नवीन, इसके पीछे छोड़ डॉग, छोड़ दो तीन डॉग. अच्छा अब ये एक मिनट बाकी रह गया, तो वी आर गोइंग टू डू अप टू हियर ओनली टुडे. ठीक है?
तो आप लोग इसको इसको इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट चैप्टर, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से मार्क करके रखना एंड ट्राई टू लर्न ऑल द व्हाट आई से ऑल द जो मीनिंग्स हैं उसको लर्न करना, क्योंकि आप मीनिंग्स को अगर लर्न करोगे तो आपका राइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा. ओके सो सिनोनिम्स जितना है उसको करना एंड हां बोलो जल्दी. हां सर ये प्रिपेयर कैसे करें यार स्टोरी यहां पे, पहले तो हम जैसे कैरेक्टर स्केच या फिर सिग्निफिकेंस थीम करते थे, अब क्या प्रिपेयर करें, ये तो चैप्टर भी बहुत लंबा है. बाबू तुम जैसा प्रिपेयर करते हो वैसा ही करो, ठीक है, तुमको अपना चेंज नहीं करना है. वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछेगा तुम जो प्रिपरेशन करोगे उससे तो आंसर दे ही दोगे,